प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2018 का आगाज हो चुका है। इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में इकोपाल संस्था उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं संस्था के प्रमुख मिलिंद पाध्याय। आइए जानते हैं इनसे कि इस मुहिम को अमली जामा कैसे पहनाएंगे। धन्यवाद। तो अभी जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि मृजया रक्षते रूपम, मतलब स्वच्छता रूप की रक्षा करती है। तो जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि हम हमारे जो बाह्य रूप है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आंतरिक जो रूप होता है जैसे दिल है, इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज है, लीवर से, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो रोज की जिंदगी का हमें भागदौड़ करनी पड़ती है, तो उसमें हम उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर कुछ वक्त के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो सिस्टम बिगड़ती जाती है और फिर हमारा बाह्य रूप भी खराब होते जाता है। तो एग्जैक्टली इसी विचार से हमने पूरा जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान था उसको हमने मतलब इंग्लिश में कहें तो उसका जो मॉडल होता है, तो इट वॉज द मॉडल ऑफ 3 B's। हिंदी में उसको कहें तो विचार, विश्वास और व्यवहार। तो इसको हमने रुझाने की कोशिश की आम जनमानस में। तो उसमें हमने उनको विचार दिए कि स्वच्छता क्या, तो ये जो अवेयरनेस का जो पूरा मॉडल है उस पर हमने ध्यान दिया। फिजिकल वर्क तो करते ही हैं हमने, उसमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी भी लाई है, CRM सिस्टम वगैरह हमारे लाए हैं, लेकिन इस पर हमने ध्यान दिया। और उसमें हमने हर घर में जो हम 25 वार्ड्स में काम करते हैं, पूरे 90 वार्ड्स में, कुछ वार्ड्स में और 2 संस्थाएं हैं, नगर निगम है, तो हमारे 25 वार्ड्स में हमने पैम्पलेट्स दिए, हम लोगों से मिले, उनको बताया, नुक्कड़ सभाएं ली, नुक्कड़ नाटक किए। हमने एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था जिसमें हमारे वार्ड्स में जो स्कूल्स है सारी, तो उन स्कूल्स के बच्चों को, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 4 और कक्षा 5 से कक्षा 8 तक, ऐसे 2 विभाग करके हमने एक चित्रकला स्पर्धा की थी कि मेरे स्वप्न की स्वच्छ काशी। तो उस चित्रकला स्पर्धा में तकरीबन 10,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और ये जो कार्यक्रम हुआ था उसमें माननीय नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल जी थे, उनके हाथ से, और नगर निगम के कई माननीय अधिकारी थे, उनके हाथ से हमने सारे विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान किए। हमने एक स्पेशल 31 नाम का जो प्रोग्राम किया था उसमें तो मतलब हमारे DM साहब थे, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब थे, हमारी मेयर साहिबा थी, हमारे नगर आयुक्त साहब थे, MOUD के कुछ माननीय अधिकारी थे। तो ये हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें स्वच्छता ऐप डाउनलोडिंग, इसके लिए हमने एक वहीं पे जो प्रेक्षक होते हैं तो उनमें से लॉटरी सिस्टम करके काफ़ी पारितोषिक दिए उन लोगों को। तो अवेयरनेस के लिए हमने काफ़ी कुछ किया और प्रैक्टिकल वर्क में भी हमने हमारे जो तकरीबन 250 हमारे सफाई मित्र हैं, हमारे पूरे सेनापति जो सुपरवाइजर्स हम जिन्हें कहते हैं, तो ये तकरीबन 40 के करीब है, ये लोग पूरा हमारा जो ग्राउंड वर्क है उसमें भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। तो इन सब की वजह से एक बात तो है कि जो पहले की जो परिस्थिति थी, जो वस्तुस्थिति थी, उसमें अब काफ़ी सुधार है। और जैसे लास्ट ईयर हमारा जो बनारस 32nd नंबर पे था, तो इस साल मैं समझता हूँ पहले 10 में तो होना ही चाहिए। स्वच्छता दूतों की क्या भूमिका रही, क्या बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, क्या उनके द्वारा कोई कार्य किए गए? नहीं, बहुत कार्य किए गए। जैसे हमारे जो हम बात कह रहे हैं कि हमने जो इंटरपर्सनल सबसे बातें की या जो भी हमारे कार्यक्रम किए, तो हमारे जो उनके द्वारा कुछ किए गए कार्य, स्वच्छता दूतों का, जहाँ तक आपने पूछा हमसे सवाल, स्वच्छता दूतों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, काफ़ी उन्होंने हमें मदद भी की है, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है। तो वो नंबर 1 के पायदान पे कब आएगा? अभी आप नंबर जो पूछ रही हो तो दैट इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर, बट हम 3 संस्थाएं हैं, नगर निगम तो बेसिक पेरेंट कंपनी है,
टीम बना के चले हैं, हमने कंपटीशन से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो मैं मानता हूँ कि तकरीबन 1 से 10 में तो आना चाहिए। जैसे हमारा CRM सिस्टम है, जिसको हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इसके 3 काम हैं बेसिकली। एक तो जो हमारे सुपरवाइजर मित्र हैं, जो सफाई मित्र हैं, उनकी अटेंडेंस लेना। दूसरा जो है कि मानो किसी घर से कूड़ा नहीं उठता है, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे जो नागरिक है उनका फ़ोन आता है, जो भी वार्ड है उस वार्ड के सुपरवाइजर के इस मशीन पे वो कंप्लेंट जाती है, वहाँ पे कंप्लेंट रिजॉल्व करते हैं और फिर उसको डन करके कंप्लाई, और वो ही जवाब फिर हम उस नागरिक को भी देते हैं। और तीसरा जो काम है कि हम यूज़र फी जो कलेक्ट करनी होती है, तो उसमें ये डायरेक्टली ये जो ब्लूटूथ प्रिंटर है ये इसे कनेक्टेड है, इसमें पूरा डेटा है, तो उस वार्ड में जो भी बीट में जो मकान होता है उसका कोड नंबर हमने दिया हुआ है, वो कोड डालते ही इससे रिसिप्ट जनरेट होती है और वो रिसिप्ट उनको दी जाती है, और एक हमको तो डायरेक्टली रियल टाइम में उसकी कॉपी भी मिलती है। मिलिंद जी, चूंकि पिछले वर्ष जनता के फीडबैक से हम बनारस स्मार्ट सिटी के पिछले पायदान में रह गया था, तो इस बार ऐसी क्या मुहिम आप लोगों ने चाहिए कि बनारस स्मार्ट सिटी बने? जैसे स्मार्ट सिटी ये स्वच्छता सर्वेक्षण में वो 32nd नंबर पे था, और बनारस में अभी स्मार्ट सिटी का मतलब वो भी चालू है कि बनारस को स्मार्ट सिटी की फेहरिस्त में लाया जाए। लेकिन मेरा ये पर्सनल वैयक्तिक मानना है कि परफेक्शन होता है कि भैया कूड़ा जो गीला सूखा है वो इसी में डालो, या रास्ते पे मत थूको, रास्ते पे कूड़ा मत डालो। हमारे यहाँ होता क्या है, हर नगरजन जो अधिकार मांगने के लिए जो आते हैं, तो साथ में जिम्मेदारी भी होती है, ये एहसास भी मेरे ख्याल में होना चाहिए। ओनरशिप का फीलिंग जब तक नहीं आता कि बनारस मेरा है, तब तक मतलब नगर निगम हो या प्रशासन हो या शासन हो, वो तो अपनी तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ नेशनलिस्ट, हमको हमारा भी कुछ हमारे फर्ज होते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है, वो हम निभाएंगे तो स्मार्ट सिटी तो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो ये रहे मिलिंद पाध्याय, पूजा कपूर, क्लाउड टेंस ब्रेकिंग न्यूज़, वाराणसी।